بسم الله الرحمن الرحيم في مقام آخر إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم منگے چند کھجیاں جنت دی ملکہ نہیں آندا ویر یقین اے ہے بہتان سبائیاں دا جڑے ہن بے دین لئینے ام المومنین دی عظمت پیا دسدا پاک قرآن ہے کل مومنین دی معاشہ پیا دسدا پاک رحمان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداد یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو ذی وقار علماء کرام معززین کرام اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی ذات رحمت نال ایک کھڑیاں خاص دی اس سالانہ عظیم الشان علامہ احسان اللہ ظہیر کانفرنس نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میرے پیارے بھائیو توجہ فرمانا ذرا چند لمحات واسطے توجہ کرنا اللہ تعالیٰ اپنی رضا رحمت نال میرا اور تہاڈا ایتھے حاضر ہونا اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ در قبول و منظور فرمائے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ اللہ دی توفیق نال 35 منٹ دے اندر اپنا بیان مکمل کر دیا اللہ کیونکہ اسی سٹیج دے خطیب باقی خطبہ ماشاءاللہ موجود نے کوئی ضروری نہیں کہ ہر خطیب آوے وہ لمیہ لمیہ تقریرہ ہی کرے نہیں انشاءاللہ بہت زیادہ اخلاص نال میں بات کراں گا ہے جی انشاءاللہ اخلاص بھی ہوئے گا دلائل دی بھرمار بھی ہوئے گی انشاءاللہ اللہ دے فضل نال ایدے اندر اختصار بھی ہوئے گا ساریاں چیزاں نال نال چلن گیاں توجہ فرمانا ذرا میرے محترم قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی تھوڑا جا میرے مضمون دا ٹچ دے گئے میں تو ہنو نیو ڈالج دے نال اس تو علاوہ بات سناواں گا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال ویسے انہاں دا مضمون سی ہاں جی اہل شان صحابہ اور اہل بیت دی شاندار لیکن امی عائشہ صدیقہ تے تھوڑا جا ٹچ دے گئے ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا ذرا اللہ نے قرآن مجید اندر میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد زور نال کہہ دے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم
माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे नबी नु अल्लाह ने मुखातिब करके फरमाया। अल्लाह फरमाते ने या निसान नबी, अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया बीवियां नु, अल्लाह फरमाया या निसान नबी लस्तुन का अहदिम मिनन निसा, नबी दियो घर वालियो तुसी आम औरतां जैसियां नहीं हो बल्कि तुसी ते नबी दियां घर वालियां हो। इतना शान इन्हां सारियां दे विच्चों अज मैं बयान करना है कौन आयशा सिद्दीका है, कौन है नैशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, कौन ऐशा सिद्दीक बाप दी सिद्दीका थी ऐशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, कौन ऐशा मखदूमा है, कौन है नैशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ऐशा, कौन ऐशा ज़ौजाए वाली है बतहा ऐशा, कौन ऐशा जेदे नावे रब दा में सलाम आया जेदे जेदी बरात अंदर रब दा कुरान आया। इधर वेखे ना जो अशाद रह गया वो मैं पढ़ देवा, मेरे खतीबे शिया उस्तादिल मुकर्रम ने कमाल ही कर दिया। उच्ची अजमत है अम्मी ऐशादी जेड़ी हर मोमिन दी माद से सिद्दीका मुतारा मुनबरा दिसे, सिद्दीका मुतारा मुनबरा दिसे हबीबाए खबीबे खुदा दिसे, उच्ची अजमत है अम्मी ऐशादी ही अल्लाह का या मुहम्मद पैगाम आया, अम्मी ऐशा ते रब दा सलाम आया। हीर दी चादर दी जा ये दो जुमले ने लेकिन बुखारी और मुस्लिम दिया छे हदीसां दा खुलासा बयान होया है। इधर वेखना मेरे तेरे प्यारे पाक पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो मरतबा ख्वाब दे अंदर मेरी ऐश, दो मरतबा ख्वाब दी हालत अंदर मेरे कुल जिब्रील आए इवें हरीर दा जन्नती रेशमी गुलाब दा पर्दा ओदे अंदर एक शक्लो सूरत लपेट करके ले आए और मेरे सामने ले आके खोल के आख दे सन या अल्लाह का या मुहम्मद, या अल्लाह का या मुहम्मद सोनिया उंज ते सारिया बीवियां तुहाडियां तुहाडे वास्ते मगर आयशा दी तखलीक तुहाडे वास्ते, आयशा दा गिलगारा तुहाडे वास्ते, आयशा नु बनाया ही तुहाडे वास्ते गया है मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर इसे वास्ते आगे ही अल्लाह का या मुहम्मद पैगाम आया, अम्मी ऐशा ते रब दा सलाम आया। ये भी बुखारी शरीफ दी हदीस है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने या आयश सुभान अल्लाह, ओ लोगो यानी मुअन्नस नु मुज़क्कर दे नाल जनाब मुखातिब करना है प्यार दी इंतहाए या अद्दा नाम लेना या आयश। अल्लाह दे नबी फरमा देने मेरी मेरे आयश ऐ मेरे कोले जिब्रील ने तैनू सलाम आख रहे ने, तो जो फरमाना अम्मी आयशा फरमा दिया फकुल तू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैहि, अस्सलामु अलैहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हजरत आयशा सिद्दीका फरमा दियान इधर को मुफ्ती कायनात आयशा, हजरत आयशा ने तो इस्तंबात करके फतवा दिता है लोगो, अम्मी आयशा फरमा दियान ने डरा जो कुछ अल्लाह दे नबी वेखदे ने असी नहीं वेखदे। आपने फरमाया ना ऐ जिब्रील ने लेकिन यकीन सी प्यारे नबी ने फरमाया ऐ जिब्रील ने ते जिब्रील सन
प्यारे नबी नु नजर आ रहे सन, अम्मी आयशा फरमांदियां मेनू नहीं नजर आ रहे सन। जी जी इस वास्ते बुखारी शरीफ देखो और हदीस समाज फरमाओ। अल्लाह दे फजल नाल मैं ते कतना जा तालिबे इल्म बड़े बड़े उलमा इंशाअल्लाह इथे इल्म पेश करदे ने अल्लाह दी तौफीक दे नाल। इधर वेखना मेरे नबी ने फरमाया फजलु आयशा ता अलन निसाई का फजल सरीद अला साइर तआम। आयशा दी फजीलत पूरियां औरतां चो इंज दी फजीलत है, इवें फजीलत है जिवें सरीद खाने दी सारियां खाणियां तो फजीलत है। अरबा दे अंदर शोरबे अंदर भगो के खाना जेड़ा खादा जांदा सी, रोटी नू शोरबे अंदर भगो के नरम करके उस खाने नू सरीद बोलदे सन। सरीद स्वाद नाल भी नहीं, सीन नाल भी नहीं, अलिफ बा ता सा, सा नाल सरीद। यानी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा दी फजीलत अंदर कितनी प्यारी बात बयान फरमाई। दूसरे नंबर ते सही बुखारी शरीफ दी है हदीस मौजूद है, मेरे तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जोजाए मोहतरमा हजरत आयशा फरमा दिया ने, रवायत दिया रावी भी हजरत आयशा ने कि लोग इंतजार कर दे हजरत आयशा दी बारी दा, तोहफे घलने दे अंदर गिफ्ट गलाने दे अंदर तवज्जो तलबात है। यानी हजरत आयशा दी बारी दा इन जनाब इंतजार कर दे, मेरे नबी हजरत आयशा दी बारी वाले दिन हुंदे ते लोग गिफ्ट घलांदे तोहफे भेजदे हदीए भेजदे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां हजरत आयशा फरमा दियां ने, मेरियां सौकणां कठियां हो के उम्मे सलमा नूं अर्ज कर दियां ने, कहंदियां ने उम्मे सलमा तू जा अल्लाह दे नबी कोल, हजूर नूं आखो के मेरे नबी लोगां दे अंदर ऐलान फरमा देण। अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं लोगां नूं आखण तुसी मैं जिस दी बारी अंदर होवां हर मेरा जेड़ा भी होवे तुसी तोहफे खला दिता करो। मेरे नबी खामोश हो गए। हजरत उम्मे सलमा ने दूसरी मरतबा ये बात की थी, ये बात दोहराई मेरे नबी खामोश रहे। तीसरी मरतबा उम्मे सलमा ने बात की थी ते मेरे नबी बोले, अल्लाह दे नबी फरमाया उम्मा सलामता ला तुदीनी फी आयशा ला तुदीनी फी आयशा। मेरे नबी फरमा दे ने उम्मे सलामा आयशा दे बारे अंदर मैनू तकलीफ ना दे, आयशा दे बारे अंदर मैनू ना सता, मैनू ना दुख दे। हरी वही भी उदो ही उतरदी है जदों मैं आयशा दे बिस्तर ते हुन्ना, दूसरी बीवी दे बिस्तर दे ओदे हुजरे दे अंदर वही नहीं जे उतर दी। एदा साफ मफहूम है, क्या मैं अल्लाह नूं आखां अल्लाह दूसरियां बीवियां दे बिस्तर ते भी वही भेज दिता कर, नहीं नहीं इत्थे मर्जियां मैं मुहम्मद दियां नहीं चलदियां रब डाडे दियां चलदियां ने। एदा मतलब है आयशा नाल प्यार रब्बुल आलमीन दा है, आयशा नाल प्यार रहमतुल लिल आलमीन दा है, आयशा नाल प्यार सारे जान दा प्यारे। इसे वास्ते अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह मैं जो अर्ज कर रहा हजरत आयशा दे बारे अंदर इतनियां फदीलतां। सही मुस्लिम शरीफ दी होर हदीस समात फरमाओ, मेरे तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां हजरत आयशा तो अलावा सारियां बीवियां ने सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला हानू बुलाया, कहदियां ने फातिमा अपने बाबे कोल जा साडी तरफों गल पेश कर। के हजरत फातिमा नु आखदियां ने अल्लाह दे नबी कोले जाओ, उन्हां नु आखो सुनियो तुहाडियां दूसरियां बीवियां आयशा दे बारे अंदर इंसाफ जांदियां ने, अबू कहाफा दी बेटी दे बारे अंदर हजरत फातिमा गईयां अपने बाबे दे सामने अर्ज करदियां ने, बाबा मेरी दूसरियां मावां
अबू कुआफा दी बेटी दे बारे अंदर इंसाफ जांदियां ने। मैं कहना जी अल्लाह दे नबी इंसाफ नहीं कर सकते ते कौन इंसाफ करेगा। इंसाफ फिर किने करना है? ये मामला अमर जिड़ा सी ना मोहब्बत दा मिलान मेरे नबी ने एक दूसरी हदीस अंदर फरमाया सी, अल्लाहुम्मा ला तलुमनी फी मा ला अमलिकू। अल्लाह उस चीज के बारे अंदर मलामत ना प्या करी यदा मैं मालिक नहीं हां। की मतलब है? दिल अल्लाह सोने मेरे कब्जे दे अंदर नहीं। ये दिल जदों भी मुड़दा है ऐशा वल मुड़दा दाए अल्लाह दिया तकसीमा ने। इस वास्ते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब इधर वेख दिया चला जाना। हजरत फातिमा जाके अर्ज कर दिया ने, बाबा मेरिया दूसरिया मावा अबू कुआफा दी बेटी बार दे बारे अंदर इन्हों के मुतलक इंसाफ जादिया ने। मेरे नबी खामोश हो गए। हजरत ऐशा हजरत फातिमा अपने अबे के सामने सवाल पेश करने के बाद जवाब दिया मुंतजर ने, खामोश हो गईयां खड़ियां होईयां ने। अल्लाह दे प्यारे नबी कुछ देर चुप रहने दे बाद खामोश रहने दे बाद बोले, आप फरमा देने, ऐ बुनैया तू अलस्ति तुहिब्बी नमा उहिब्बू। क्या बेटी है मेरी पुत्री फातिमा, क्या तू ओदे नाल मोहब्बत नहीं करेंगी जेदे नाल मां उहिब्बू मैं मोहब्बत कर। फकालत बला हजरत फातिमा अर्ज कर दिया ने, क्यों नहीं बाबा जी। मेरे नबी ने फरमाया फाहिब्बी, हजरत फातिमा नु क्या फाहिब्बी हाजिही। हजरत ऐशा वाले इशारा करके कहंदे ने, बस फिर बेटी फातिमा फाहिब्बी हाजिही, बस तू फेरे दे नाल मोहब्बत कर। फातिमा ने जो जो मामला होया जाके अपनिया दूसरिया मामा नु जाके दसिया, नाल ज़ेन बनाया कि आज दे बाद मैं इन मामलों के अंदर कदी भी नहीं आवांगी। बड़ा जनाब मान तरान कहंदियां ने मैं जानी हां। हजरत ज़ैनब बिनत जाज गईयां, ओ होई बात दोहराई सैयदा फातिमा नु जेड़ी आके गली सी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश। दूसरी मर्तबा बात की थी, अल्लाह दे नबी जवाब ना दिता। तीसरी मर्तबा जवाब बात की थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिता। सुनो हजरत आयशा सिद्दीका सैयदा ज़ैनब बिनत जाश दे बारे की फरमा दिया ने, कहदिया ने ज़ैनब बिनत जाश नालो ज्यादा दीनदार दीनदार अल्लाह को डरने वाली सच बोलने वाली रिश्ते लाते जोड़ने वाली सिला रहमी फरमाने वाली अल्लाह दी राह दे अंदर खैरात करने वाली कोई औरत नहीं देखी। सौकन सौकन दे बारे च मार्क्स ते होए ना गल ते होई ना हजरत ऐशा फरमांदियां ने मगर उस लेकिन हुसीलियां जरूर सन, हजरत ज़ैनब दे बारे हुसीलियां जरूर सन मगर जल्दी भूल मिल जांदियां, सॉरी कर लैंदियां, बस अपनी गलती दी माफी मंग लैंदियां। अल्लाहु अकबर अल्लाह कहंदियां ने जदों अल्लाह दे नबी खामोश ने ते हजरत ज़ैनब ने
अम्मी ऐशा ते चढ़ाई कर दिती किते चढ़िया जनाब जनाब इधरों हजरत ऐशा फरमांदियां ने मैनू ऐसी के प्यारे नबी जवाब देंगे या मैनू जवाब आखणगे लेकिन अल्लाह दे नबी ने कुछ नहीं आखिया मैं आपके चेहरे नूं पढ़िया अम्मी फरमांदियां ने चेहरे नूं पढ़िया मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे नूं पढ़ के पहचानिया कि मैं अगर जवाब देंगी अल्लाह दे नबी नाराज नहीं होणगे बल्कि खुश होणगे मेरे जवाब ते फौरन कहंदे हजरत ऐशा ने भी जनाब चढ़ा आई कर दिती थोड़ी देर अंदर हजरत ज़ैनब बिनत जाश नु चुप करवा देता मेरे नबी दे चेहरे वाल वेखिया अल्लाह दे प्यारे महबूब मुस्कराए आप फरमाते ने आखिर ए भी ते अबू बकर दी थी ए जी मेरे प्यारे वीर इधर वेखना बात आखिर ते ले जाइए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ਤੁਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਆ ਫਰਮਾਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਤਰ ਨਾ ਪਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਬਨੇ ਖਿਤਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ हजरत उमर का मशवरा कुरान बन जाता है अल्लाह दे प्यारे नबी गए गए अपने ससुराल दे घर दरवाजा खटखटाया कौन दरवाजा खटखटा रहे है अम्मी मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोलिया अल्लाह दे नबी दरवाजे दाखिल होते हैं फरमा देने अम्मी मेरी आयशा किथे मेरी हुमैरा किथे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछदे ने हजरत उम्मे रुमान कहंदियां ने बेटा तेरी आयशा ते मंजी नाल मंजी बन गई है रोण दे अलावा काम ही कोई नहीं उस दिन दा रो रो करके सुख सुख के तीला कोई होई है और ओदा ते रोण तो अलावा काम ही कोई नहीं अल्लाह दे नबी तशरीफ ले आए 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 आप ऐशा दी चार पाई ते बह गए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम फरमा देने ऐशा कोई ते गल कर कोई गल दा जवाब दे हजरत ऐशा अर्ज कर दिया ने अम्मी हुजूर कुछ पूछते ने जवाब दो अबू जी जवाब दो अगो जवाब आंदा है बेटी ये मामला तेरा ते तेरे मुहम्मद आए और कोई उन्दे ते बड़े जवाब देंदे इत्थे साडे जवाबां नाल गल नहीं बनदी इत्थे वही नाल गल मुकदी है इधरों हजरत ऐशा नु मेरे नबी पूछ रहे ने ऐशा कोई ते गल कर हजरत ऐशा फरमांदियां ने मेरी गल तस्लीम नहीं कीती जाएगी
मेरी गबात ते यूसुफ ते अब्बे वाली बात है कहनिया ने सदमी अंदर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दा नाम ही मैनू ना आया कहनिया ने मेरी ते यूसुफ ते अब्बे वाली बात है नौ साल दी तुहाडे घर अंदर आई पहले वाली जिंदगी अब्बा अम्मी बेहतर जानते ने बाद वाली जिंदगी सोनिया तुसी बेहतर जानते हो बस कहनिया ने मैं ते अपनी अल्लाह नाल काला मिलाइया इधरों जनाब मेरे नबी ने चादर मुबारक दुरुस्त करना शुरू कर दी वही दा सिलसिला जारी हो गया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सास मोहतरमा दौड़िया दौड़िया आईया हजरत आयशा नु कहंदियां ने बेटी चुप हो जा तेरा रब तेरे मुहम्मद नाल कोई गल कर रहा है यकीनन तेरी ही गल हो रही है इधरों जनाब हजरत आयशा ने अपनी रिट और मिसल उठा के आखिरी अदालत अंदर पेश कर दी कहंदियां कि ने इन्नमा अश्कु बसी व उज़्नी इल्लल्लाह बस इधरों मेरे नबी जूई पई तो पार गोए खंदा पेशानी नाल मेरे नबी पसीना पूछिया ते आप फरमांदे ने हाय अल्लाह के आयशा ऐसा मुबारक होण अगर किसी और ते मुख्तसर बात है किसी और ते जनाब बोतान लगे ते गवाही किसे कदी बच्चे को अल्लाह दवावे कदी किसी औरत को दवावे कदी यूसुफ अलैहिस्सलाम ते बोतान लगया ज़ुलैखा दे घर दे फर्द को अल्लाह गवाहियां दवावे हजरत जुरैद ते बोतान लगा गवाहियां अल्लाह हांजी बच्चे नु बुला के दवावे मेरी आयशा मेरी हुमैरा मेरी ऐश जो बारियां आवन तेरियां वकीले सफाई अल्लाह आप बन जावे अल्लाह फरमावे वल्लौला इस्समितुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाजा सुब्हानका का हाजा बुहतानुन अज़ीम सोनिया जिमें अल्जाम अजीम लाया है इवें बोहतान भी अजीम है वकीले सफाई ने दाल दलाल दिते नाल जनाब फैसले भी सुनाए हजी ज्यों जो जज भी मेरे नबी आप ही ने अल्लाह अकबर आसमान वाले सुप्रीम कोर्ट दे जज ने फैसला सुनाया मेरे नबी ने अगे लोगां नु सुना छड़े इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम जिमे बोहतान अज़ीम है ओवे अज़ाब भी अज़ीम है अल्लाह ने कैसियां मिसालां दित्तियां अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे प्यारे वीर गौर ते करना मौलाना अब्दुल मजीद चौधरी दी सीरत ऐशा किताब दे आखिरी सफे ते लिखिया है ना जनाब मेरे तेरी पाकीज़गी पर नुतक फितरत ने शहादत दी तुझे अजमत आता की आफियत बख्शी फजीलत दी अगर तेरी सहर परवर अदा पर हरफ आ जाता खुदा का इंतखाबी फैसला मखदूश कहलाता आप देख रहे हो कि मेरे महबूब कायद जनरल अली हदीस हजरत अल्लामा हाफिज इब्तिसाम अली सईद के पिंडाल में तशरीफ ला चुके हैं अब हम उनको दिल की ताकीरायों से खुशामदीद कहते हैं गुजर के वो दिन के जब अंजमन में
माशाल्लाह तबस्सुम माशाल्लाह जिला कसूर की तारीख में ये बात लिखी जाएगी कि नूरपुर से लेके मेरे नौजवानों ने अपने महबूब का अल्लाह महावत इब्तिसाम मिलाई जहीर से शानदार माशाल्लाह माशाल्लाह बिलाल तबस्सुम चुप क्यों कर गया हजरत आप इंकलाब 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 हजरत आप तशरीफ रखे भाई स्टेज से मेरे प्यारे भाइयों मेरे भाई प्यारे मालिक कायनात की तौफीक तो से बैठ जाओ यार आप नीचे बैठो मेहरबानी जज़ाकअल्लाह मेरे महबूब का नूरपुर से लेके खोडिया तक शानदार जानदार इस्तकबाल किया है हम अपने महबूब के तहे दिल से मशकूर हैं कि वो अभी कल ही डेरा गाजी खान में सलाब मुतासरीन में सामान तकसीम राशन तकसीम कर रहे थे बस यही कहा कि बिलाल भाई आपने परेशान नहीं होना हम आएंगे वो आए हैं आज माल की तौफीक से मौसम की खराबी के बाद आपने माशाल्लाह देखा है और आप हजरात तशरीफ लाए हम आपके भी तहे दिल से मशकूर हैं अंजुमन निदाउल इस्लाम ने शानदार इस्तकबाल किया है माशाल्लाह माशाल्लाह नारा तकबीर इंकलाब 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 हक की सुबह बादल की शाम हक की सुबह बादल की शाम इंशाल्लाह लो जी माशाल्लाह 25 मिनट मेरा खिताब अल्लामा इब्तिसाम अलैहि ज़हीर हफ़िज़हुल्लाह ताला इनके इस्तकबाल के लिए दोस्त गए हुए थे मेरा 25 मिनट का खिताब है जी बाकी कुर्सियों को हुआ कुछ लोग बैठे भी थे माशाल्लाह लेकिन अल्लाह के फजल से हम अपने प्यारे अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह अपने अजीम कायद से प्यार करने की वजह से ये हमारे प्यार का मुंह बोलता सबूत है अल्लाह के फजल और करम से हमने ये भी बात अल्लाह की मेहरबानी से खंदा पेशानी से और अगली बात भी अल्लाह के फजल और करम से इंशाल्लाह हमने वो हमारा मेरे 10 मिनट बकाया लेकिन मैं अल्लामा इब्तिसाम अलैहि ज़हीर हफ़िज़हुल्लाह ताला अपने प्यारे के तशरीफ आवरी पर मैं सिर्फ 5-6 मिनट में अपनी बात को क्लोज करता हूँ बस मेरा खिताब हो गया फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह ये देखो जनाब अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे कोल ए बात दो बोरिया दे अंदर बोरी समझते हो ना गट्टू दो तोड़िया दे अंदर 1 लाख दिरहम दी मालियत दा माल भेजिया अम्मी आयशा सिद्दीका ने साया खिदमत खलत देखो जेड़े काम च लगे ने अल्लाह दे फजल नाल साडे सारे इत्रो काफले पहुंचे हुए ने अल हरमैन इस्लामिक सेंटर दी तरफों भी माशाल्लाह लखा रुपया लेके नकदी और बहुत सारा माल लेके अल्हम्दुलिल्लाह तौसा दे अगले पासे उस तो भी 100 किलोमीटर तकरीबन अगे बिल्कुल बलोचिस्तान दा ते सिंध दा ते पंजाब दा बॉर्डर आ जांदा सारा उथे माशाल्लाह पहुंचे हुए ने अल्लाह दी मेहरबानी नाल तो बरकैफ ए खिदमत खलक दा जज्बा वे 1 लाख दिरहम दी मालियत दा माल दो बोरियां दे अंदर अम्मी आयशा सिद्दीका कोल किन्ने कलाया हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला ने अम्मी आयशा ने सारे दा सारा माल गरीबां मिस्कीनां मोहताजां नूं बंट दित्ता
शाम होई रोजे नाल सन। अम्मी आयशा फरमादियां ने अपनी नुकरानी नू अफतारी लेके आओ। नुकरानी कहंदियां ने अम्मी लख दिरहम दे विचों गल सुनन वाली रोजे नाल सड़ना अफतारी लेके आओ। ते नुकरानी कहंदियां ने अम्मी इन्ना ज्यादा माल आया पांच दिरहम रख पांच दिरहम बचा लैंदियां उहदा गोश्त लियांदियां पुरतकल्लफ अफतारी करदियां। हजरत आयशा फरमांदियां ने हुण मैनूं मलामत ना कर अगर पहले याद दिला देंदी ते मैं इस तरह कर ले। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास शाने सहाबा फजाइले सहाबा ले अहमद इब्ने हंबल उन्हां दी लिखी हुई किताब सनद सही है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास अम्मी जान दे मर्ज़ुल मौत दे वक्त मुखातब करके फरमांदे ने अम्मी आप उम्मत में से पहली खातून है जिनका बेगुनाह होना आसमान से नाजल हुआ। मेरे अल्लामा एहसान की बात याद आई मेरे अजीम कायद दी कॉन्फ्रेंस दे वाले नाल अल्लामा साहब फरमाते सन लोगो दीन उतना मानो जितना सिद्दीक ने माना। तो अगे पिछे नहीं होना मेरे प्यारे भाइयों फिर मैं क्यों ना आखा इधर वेखना तवज्जो फरमा मुंह ना ते नाल मेरे चलना है तुसी अम्मी आयशा आयशा दा जदों आए ना नाल नाल कहना मुंह ना ते मुस्तफा नाज़िशे मुज्तबा तोहफा किबरिया मरहबा मरहबा आयशा आयशा चरागे हरी में रसूल इला हर मकान चरागे हरी में रसूल इला पैकरे बाबफा पैकरे बाहया हर मकाने बफा आयशा 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 गैरत हूरा सद हजारा सलाम एक होर जनाब बैठा हुए की बदरे पत्रु दूजा नूरे नूर उला है शमसे शमसु दुहा आयशा 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 उम्मे खैरुल उम्म सोजा खैरुल बरा एदा तर्जमा नहीं समझे उम्मे खैरुल उम्म सारिया उम्मता चो बेहतर उम्मत दी माशा उम्मे खैर उम्म जोजे खैरुल बरा इतरते सादिका सद हजारा सलाम सचिया दी पग सचिया दी दस्तार सचिया दी सचिया दी सचिया दा वकार सबके सचिया दी इज्जत इतरते सादिका सद हजारा सलाम सारे असी कोल घुमाइए अम्मी ऐशा तो अपनी जान अम्मी 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 ऐशा अम्मी 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 कर दिया निकल जाए मेरी जान।